आपका नाम क्या है? सचिन शर्मा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता उत्तर प्रदेश से। अभी जहाँ तक सरकार है अपने अड़ियलपन पे रुकी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कानून वापस लेगी सरकार? तो किसान भी तो अड़ियल है, तब तक तो अड़ रहे हैं, 53 दिन हमें हो गए हैं और लगातार जब तक किसान विरोधी 3 काले कानून है, जब तक सरकार नहीं हटाएगी, जब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं कहीं से कहीं तक भी। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कमेटी बनाई जाए और उन पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो मान सम्मान हमेशा किसान करता रहेगा, और जब तक सरकार 3 काले कानून लिखित में और MSP गारंटी में लिखित में नहीं देती, जब तक किसान ना तो आंदोलन यहाँ से छोड़ा है ना छोड़ेगी कभी। हमारा ही नहीं, सिंधु बॉर्डर, पलवल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर 51 दिन से यहाँ किसान बैठा हुआ है। कभी चक्का जाम हो रहा, कभी रोड का जाम हो रहा, कभी जिला मुख्यालय पर जिला प्रदर्शन हो रहा, कभी पंचायत हो रही है, और लगातार जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, जब तक ये चलता रहेगा। अभी जो 26 तारीख का ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार दिल्ली में घुसने देगा? नहीं, उसको आपको राष्ट्रीय दिन जानकारी उसकी दे दी है अभी आपको, बाकी जो राष्ट्रीय दिन का आह्वान होगा उस पर हम घुसेंगे, ट्रैक्टर क्या दिक्कत है। अभी सुप्रीम एक हेमा मालिनी जो है, दो फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका बयान आया था कि सरकार किसानों को जो कानून है वो समझ में नहीं आ रहे। ऐसा वो जो सरकार से मिले हुए वो सांसद हैं बीजेपी की, जितने भी बीजेपी के सांसद विधायक जो भी हैं, वो किसानों को किसान का मार रहे हैं आज की डेट में। भैया आज की डेट में गद्दी मिल गई, मुख्यमंत्री मिल गई। अभी किसान कह रही है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक प्रोपोगंडा है, कुछ खालिस्तानी है। सरकार कुछ भी कहते रहे, किसान अपना एकता के साथ यहाँ डटा हुआ है, हर वोटर को डटा रहेगा, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। जय जवान, जय किसान।